जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, मैं अजय गहलोत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीपी पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 32। तो समय हुआ है रात के 9 बजे, तो आप जल्दी से अपने सभी साथियों को इस प्रैक्टिस सेट के लिए जरूर कहिए ताकि वो भी इस प्रैक्टिस सेट को लाइव देख सके। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने कमेंट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लिए ताकि सभी प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाए। तो नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है, फिर चेक करना है कि आपका आंसर सही हुआ है कि गलत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर इफ एनी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एरर निकालनी थी, एरर फाइंड आउट करनी थी। सेंटेंस है द टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट अराउंड प्लाजा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट सी में एरर है, यहाँ पर शॉप के बदले शॉप्स का प्रयोग होगा क्योंकि एनी ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद नाउन यदि काउंटेबल हो तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है। यहाँ पे वर्ड आया एनी ऑफ, और एनी ऑफ के बाद में अगर कोई काउंटेबल नाउन हो तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है। तो सिंपल सा हमें शॉप को रिप्लेस करके SHOPS इसका प्लूरल फॉर्म बना देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट सी में एरर थी, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेंटेंस दिया गया, हार्डली हैड आई रीच्ड द एयरपोर्ट वेयर आई लर्नड अबाउट द पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट बी में एरर है, यहाँ पर वेयर के बदले वेन का प्रयोग होगा क्योंकि हार्डली के बाद में कंजक्शन के रूप में वेन का प्रयोग होता है, न कि वेयर विच देन आदि का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट बी में एरर थी, यहाँ पर हमें वेयर को रिप्लेस करके वेन का यूज करना पड़ेगा, WHEN, क्योंकि वाक्य के शुरुआत में हार्डली आया है और हार्डली के बाद में कंजक्शन के रूप में वेन का यूज किया जाता है, ये रूल आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट बी में एरर थी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए सेंटेंस है, एज ए प्रैक्टिस द लास्ट बैच ऑफ द टीन्स अंडरगोज थ्रू चेकअप। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया सेंटेंस एकदम शुद्ध है, इसमें कोई तरह की एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा, अभ्यास सत्र के आखिरी मैच में उन सभी का चेकअप किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डायरेक्शन है, चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है, सिनोनिम पूछा है, सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछा है, और वर्ड दिया गया है यहाँ पे टॉक्सिक। टॉक्सिक का अर्थ होता है विषैला, जहरीला। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टॉक्सिक का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉइजनस। पॉइजनस का अर्थ भी होता है विषैला, जहरीला, जो कि सिनोनिम है टॉक्सिक का। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है बिटर। बिटर का अर्थ होता है कड़वा, तीखा। और ऑप्शन नंबर बी में दिया है फॉल स्मेलिंग। फॉल स्मेलिंग होता है गंदी महक, खराब महक। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रिमेडियल। रिमेडियल का अर्थ होता है उपचार या औषधि। टॉक्सिक का सिनोनिम हो गया पॉइजनस। इन पांचों वर्ड्स को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना ताकि एयरपोर्ट्स की वोकैब में आपकी हेल्प हो सके। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए डायरेक्शन है, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस में एक पार्ट को अंडरलाइन करके दिया है जिसको हमें इंप्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में इफ क्लोज को प्रेजेंट सिंपल टेंस में दिया है। तो जब इफ क्लोज प्रेजेंट सिंपल में हो तो मेन क्लोज हो जाता है फ्यूचर सिंपल में। और इफ क्लोज में यहाँ पे वन दिया गया है, वन का अर्थ होता है हम स्वयं या खुद। तो मेन क्लोज में भी वन को हम वन ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में फ्यूचर सिंपल टेंस दिया है।
क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इफ वन वर्क्स हार्ड वन विल गेट द रिवार्ड। ये इसका सही मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा, अगर हम कठिन परिश्रम करें तो हमें इसका इनाम जरूर मिलता है। दोस्तों मेहनत तो हम भी करते हैं आपके लिए, लेकिन हमारे वीडियोस पे व्यूज बहुत कम आते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, या आपके पास जितने भी व्हाट्सएप पे एयरफोर्स के ग्रुप है, उन सभी ग्रुप्स में हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, तथा अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिए। व्यूज ज़्यादा आते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम और ज़्यादा वीडियो बनाएं। बाकी अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ यार अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें सिनोनिम बताना था, सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना था। यहाँ पे वर्ड आया एवरेज। एवरेज का अर्थ होता है कंजूस, या जिसको धन का लालच हो उसको हम बोलते हैं एवरेज। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीड। ग्रीड का अर्थ होता है लालच। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया जेनरोसिटी। जेनरोसिटी होते उदारता। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया इनवी। इनवी का अर्थ होता है ईर्ष्या, जेलसी। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया हेट्रेड। हेट्रेड का अर्थ होता है द्वेष, घृणा। तो आई होप चारों वर्ड आपको क्लियर हुए होंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए हमें डायरेक्शन है चेंज द वॉइस। तो क्वेश्चन नंबर सेवन में हमें सेंटेंस एक्टिव में दिया है जिसको हमें पैसिव में चेंज करना था, और यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है एवरीवन लुक्ड अप टू हिम। तो क्वेश्चन नंबर सेवन में दिए गए सेंटेंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस में दिए गए टेंस को पहचानना पड़ेगा। यहाँ पे सेंटेंस का टेंस है पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल का जब हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो वाज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन में वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में। ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ सेंटेंस में एक फ्रेज आई है लुक्ड अप टू। तो लुक्ड अप टू जब भी फ्रेज आएगी तो उसको हम सेम एजिट रखेंगे पैसिव में। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ही वाज लुक्ड अप टू बाई एवरीवन। लुक्ड अप टू का अर्थ होता है किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, या किसी का सम्मान करना। तो इस फ्रेज में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर एट को। क्वेश्चन नंबर एट के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें ऑपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था, विपरीतार्थक शब्द बताना था, और वर्ड दिया गया यहाँ पे वेराइटी। वेराइटी का अर्थ होता है सत्यता, सच्चाई, यथार्थता। तो इसका ऑपोजिट वो हो जाएगा जिसका अर्थ हो झूठ, असत्यता। तो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर है ऑप्शन नंबर सी फालसूड। फालसूड का अर्थ होता है असत्यता, कपट या झूठ, जो कि ऑपोजिट है एंटोनिम है वेराइटी का। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया सैंक्टिटी। सैंक्टिटी का अर्थ होता है पवित्रता। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया रेवरेंस। रेवरेंस का अर्थ होता है श्रद्धालु। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया रेराइटी। रेराइटी का अर्थ होता है विरलता, दुष्प्राप्यता, दुर्लभ वस्तु, यानी जिसको पाना मुश्किल हो उसको हम बोलते हैं रेराइटी। तो फालसूड का अर्थ हो गया असत्यता और इसका एंटोनिम हो गया वेराइटी। तो आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हुए होंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए डायरेक्शन है चेंज द नरेशन। तो क्वेश्चन नंबर नाइन में हमें एक सेंटेंस दिया गया है डायरेक्ट में जिसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना था। सेंटेंस है द टीचर सेड गांधीजी वाज बोर्न इन इंडिया। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा टीचर ने कहा गांधीजी का जन्म भारत में हुआ। तो गांधीजी का जन्म भारत में हुआ ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, एकदम सच बात है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया जा सकता। जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस दिया गया उसको हमें सेम एजिट रखना पड़ेगा, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो सेड को हम चेंज नहीं करेंगे, सेड का सेड ही रखेंगे, और कंजक्शन डेट का यूज करेंगे और बाकी सेंटेंस को सेम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, द टीचर सेड डेट गांधीजी वाज बोर्न इन इंडिया। क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट था तो हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। आई होप ये रूल आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ऑपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था, और यहाँ पे वर्ड आया जेटिसन। जेटिसन का अर्थ होता है फेंक देना, त्याग देना, असुरक्षित करना। तो इसका ऑपोजिट वो हो जाएगा जिसका अर्थ हो सुरक्षित करना या रक्षा करना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिजर्व। प्रिजर्व का अर्थ होता है परिरक्षण करना, सुरक्षित करना या बचाना, और जेटिसन का अर्थ होता है फेंक देना या त्याग देना। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया रिवार्ड, रिवार्ड का अर्थ होता है पुरस्कार या प्रसर्मिक। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का अर्थ होता है राजी होना, सहमत होना। तो जेटिसन का ऑपोजिट हो गया प्रिजर्व। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था। सेंटेंस है द कार्ट वाज ड्राइवन ब्लैंक ब्लॉक्स। यहाँ पे वर्ड आया बुलॉक्स, बुलॉक्स होता है बैलों के समूह को बुलॉक्स बोला जाता है, और कार्ट हो गया बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी के चलाने की बात की गई है, और जब बात ड्राइव की आए तो ड्राइव के लिए हम बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जिसके द्वारा गाड़ी चलाई गई हो उससे पहले हम बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। इस रूल को अपनी नोटबुक में लिख लेना, तथा इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी वोकैब मैंने आपको बताई है उसको भी अपनी नोटबुक में लिख के उन पे प्रैक्टिस जरूर करना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे हमें वन वर्ड बताना था। सेंटेंस है वन हु सीक्रेटली लिसन टू द टॉक ऑफ अदर्स। सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो इंसान जो गुप्त तरीके से दूसरों की बातें सुनता है। ये वन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एयरफोर्स एग्जाम में इसको बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इवास ड्रॉपर। इवास ड्रॉपर उसको बोलते हैं जो गुपचुप तरीके से या सीक्रेट तरीके से किसी की बात सुनता हो। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया स्पाई, जिसका अर्थ होता है जासूस। ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया गया डिटेक्टिव, डिटेक्टिव वो इंसान होता है जो क्राइम और क्रिमिनल्स की खोजबीन करता है। स्पाई और डिटेक्टिव आपस में सिनोनिम हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया एमएसरी, एमएसरी वो इंसान होता है जो गुप्तचर के रूप में दूसरे देशों में भेजा जाता है किसी खास मैसेज को पहुंचाने के लिए, यानी एक देश से दूसरे देश में किसी मैसेज को पहुंचाने के लिए जो इंसान होता है उसको हम बोलते हैं एमएसरी। तो इन चारों वर्ड्स को आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट मीनिंग फॉर गिवन ईडियम फ्रेज। तो यहाँ पे हमें एक ईडियम दी गई है जिसका हमें अर्थ बताना था। बहुत ही सिंपल सी ईडियम है, ए डार्क हॉर्स। देखिए अगर कोई घोड़ा काला होगा और अगर हम उसको रात में देखेंगे तो बहुत कम चांस है कि वो हमें दिखे। तो उसी तरह इस ईडियम का अर्थ भी वही होता है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारा टैलेंट हो लेकिन वो गुपचुप तरीके से रहता हो, जिसके बारे में किसी को पता ना हो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर, यानी कि एक ऐसा इंसान जो रेस में भाग लेता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता हो लेकिन वो रेस जीत जाता है, उसके लिए हम ईडियम यूज करेंगे ए डार्क हॉर्स। तो इस ईडियम का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे हमें चार वर्ड दिए गए, चारों में से एक वर्ड का सिलेक्शन करना था कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड का अर्थ होता है जीर्ण, बर्बाद किया हुआ, पुराना, नष्ट, छिन्न भिन्न। तो वर्ड डिलैपिडेटेड पे आप प्रैक्टिस कीजिए, इसका अर्थ होता है जीर्ण, छिन्न। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था। सेंटेंस है आई इंस्टेड ब्लैंक हिज लिविंग द प्लेस। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंस्टेड ऑन। इंस्टेड ऑन का अर्थ होता है जोर देना या पुरजोर मांग करना। तो इंस्टेड के साथ में ऑन प्रीपोजिशन फिक्स आती है, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डायरेक्शन है अरेंज दी सेंटेंस इन परफेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसको हमें एक परफेक्ट ऑर्डर में जमाना था। सेंटेंस बहुत ही छोटा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन टेस्ट करके आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ग्रामेटिकली चेक करना रहता है कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, या फिर आपको उसका हिंदी मीनिंग बनाना पड़ेगा, तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम सी और डी को देखते हैं। सी में दिया गया है ड्यूरिंग द, तो ड्यूरिंग द के बाद में यहाँ पे कोई नाउन नहीं दी गई है, तो सी किसी भी ऑप्शन के लास्ट में नहीं हो सकता। तो सी यहाँ पे सेकंड के लास्ट में दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया। और डी को देखते हैं, आई ओनली वेंट फिशिंग, यहाँ पे वर्ब आई है, वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तो डी ऑप्शन भी किसी के लास्ट में नहीं हो सकता, यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी हमारा कैंसिल हो गया। अब हम अपने लास्ट ऑप्शन को देखते हैं, लास्ट ऑप्शन से बनने वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं। आई ओनली वेंट फिशिंग ड्यूरिंग द होल ऑफ लास्ट ईयर ट्वाइस, लेकिन इससे हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं दे रहा, एक अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बना पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप इस सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़िए, फिर उसका हिंदी मीनिंग बनाने की कोशिश कीजिए। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा, पिछले 2 सालों के दौरान मैं सिर्फ 2 बार फिशिंग करने यानी मछली पकड़ने के लिए गया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे हमें वन वर्ड बताना था, वन वर्ड का सिलेक्शन करना था। सेंटेंस है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वन्स फादर और एंसेस्टर्स। यहाँ पे वर्ड है एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का अर्थ होता है पूर्वज, और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा पूर्वजों या पिता से विरासत के रूप में मिली संपत्ति को हम क्या कहेंगे। इनहेरिटेड का अर्थ होता है विरासत, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड पेट्रीमनी। पेट्रीमनी होता है पिता से या पूर्वजों से विरासत में मिली हुई संपत्ति, धन को पेट्रीमनी बोलते हैं। पेट्रीमनी को याद रखने के लिए शॉर्ट टिक्स है, पेट्री से आप रिलेट कर सकते हो पिता, और मनी से होता है धन, तो पिता से मिला हुआ धन पेट्रीमनी। बात करें बाकी ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया एलिमनी। एलिमनी होता है पति पत्नी के बीच में तलाक होने पर पत्नी को दी जाने वाली रकम को बोलते हैं एलिमनी। ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया वॉलेंट्री। वॉलेंट्री होता है स्वैच्छिक, यानी जिस कार्य के लिए हमें वेतन नहीं दिया जाए उस कार्य को हम बोलते हैं वॉलेंट्री। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में आर्मिस्टाइस। आर्मिस्टाइस होता है युद्ध विराम, यानी शांति फैलाने के लिए युद्ध में जो विराम लगाया जाता है और जो समझौता किया जाता है उसको हम बोलते हैं आर्मिस्टाइस। तो आई होप चारों वर्ड आपने अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 है पैसे से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 18 को पहले आप पढ़िए, फिर पैसेज को पढ़िए और फिर उसका आंसर दीजिए। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको शो हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का जल्दी से आंसर दीजिए। सबसे पहले हम पैसेज के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर इस पैसेज के आंसर्स की तरफ जाएंगे। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो डिस्कस करते हैं इस पैसेज को। इस पैसेज में समय की महत्ता के बारे में बात की गई है, समय के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाई जानी चाहिए कि किस तरह हमारा एक एक मिनट एक एक क्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में हमें समय का एक भी सेकंड एक भी क्षण नष्ट नहीं करना चाहिए और जितना हो सके इस समय का सदुपयोग करना चाहिए, ये बात इस पैसेज में बताई गई है। हम बात करते हैं इस पैसेज के इम्पोर्टेंट वर्ड्स की। पहला इम्पोर्टेंट वर्ड है ओरिएंट। ओरिएंट होता है पूर्वी एशियाई देशों को बोलते हैं ओरिएंट, लाइक चाइना, जापान और रशिया। अगला नेक्स्ट वर्ड है अपेलिंग। अपेलिंग का अर्थ बे उत्पन्न करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है नोशन। नोशन का अर्थ होता है धारणा। पिच का अर्थ होता है ऊंचाई। इंटेस्टिक का अर्थ होता है तीव्रता। एलियन का अर्थ होता है विदेशी। टॉर्चर का अर्थ होता है कष्ट पहुंचाना, तथा एक्यूटली का अर्थ होता है तीव्रता से। तो इस पैसेज में आए जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड थे वो हमने आपको बता दिए। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तथा इन वर्ड को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, आप जितने ज्यादा नोटबुक में वर्ड लिखोगे उतनी ज्यादा आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी तथा उतनी ही ज्यादा आपकी याद करने की क्षमता बढ़ेगी। आपको डेली लिखना पड़ेगा, उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको रिपीट करना पड़ेगा, तभी आप सारे क्वेश्चन सही कर पाएंगे, 20 out of 20 marks स्कोर कर पाएंगे। हम बढ़ते हैं इस पैसेज के आंसर्स की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज। इस पैसेज की मेन थीम क्या है, इस पैसेज में किस बारे में बात की गई है। इस पैसेज की थीम है अवेयरनेस ऑफ टाइम इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर 3, यानी आधुनिक औद्योगिक जगत में समय की जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, द ओरिएंट इन द पैसेज रेफर्स टू। तो यहाँ ओरिएंट वर्ड आया है पूर्वी एशियाई देशों के लिए, यानी कि चाइना, जापान और रशिया के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, ए पर्सन हु बिलोंग्स टू प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, यानी जो पूर्व औद्योगिक समय से संबंधित व्यक्ति है वो प्रत्येक मिनट की कदर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, ही डज नॉट केयर अबाउट ईच मिनट। तो आई होप आपने पैसेज के सारे क्वेश्चन का आंसर सही किया होगा तथा इस टेस्ट के सारे क्वेश्चन का आंसर भी सही किया होगा। तो आपके जितने भी मार्क्स आते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, और प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलेंगे कल फिर एक नए टेस्ट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।